दोस्तों, अभी तक आपको कम प्राइस पे सुपर वैल्यू फॉर मनी मोबाइल मिलते थे, लेकिन अब आप एलईडी टीवी भी ले पाएंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 40 इंच का 4K स्मार्ट टीवी HDR10 सपोर्ट के साथ, जो कि आपको पहली बार देखने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद है, इंडिया में इससे पहले 40 इंच का 4K टीवी नहीं आया। अगर आया हो तो कमेंट्स में बताना मुझे। और साथ में आपको यहाँ पर HDR10 का भी सपोर्ट मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है ऐसी प्राइसिंग पे। थॉमसन ब्रांड की तरफ से ये 4K टीवी है। इसका क्या एग्जैक्ट प्राइस है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। इस टीवी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। मुझे कमेंट्स में बताना आपको एक स्मार्ट टीवी का बेस्ट फीचर क्या लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो स्मार्ट टीवी है ये कितना स्मार्ट है, यूट्यूब इसमें कैसा चलता है, अमेजोन प्राइम वीडियो चलती है या नहीं, और ये टीवी जियो टीवी सपोर्ट करता है या नहीं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे क्या इसकी कमी लगी और क्या इसका बेस्ट फीचर लगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सरप्राइज भी आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा क्या आपको मिलने वाला है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। लाइक्स का आज हम टारगेट रखते हैं 15,000, जल्दी से पूरा कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। इसके डिज़ाइन में मुझे कोई कमी नहीं लगी, बहुत ही कम आपको बेजल्स मिलते हैं यहाँ पर। बैक साइड पर आपको सभी पोर्ट्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी में यहाँ कोई भी कमी नहीं है। 3 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट्स, ऑडियो वीडियो के लिए भी आपको यहाँ पोर्ट मिलता है। साथ में आपको मिलता है ऑडियो जैक, वाईफाई तो आपको मिलता ही है इसमें। साथ में आपको मिलता है ईथरनेट केबल के लिए RJ45 पोर्ट। ऑडियो की अगर हम बात करते हैं तो 2 स्पीकर आपको मिलते हैं 10-10 वोट के। ऑडियो तो इसकी लाउड है, लेकिन अगर आप साथ में लगाओगे होम थिएटर सिस्टम तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। होम थिएटर मैं आपको देने वाला हूँ, यही आपके लिए सरप्राइज। ब्लूटूथ 4.1 होम थिएटर सिस्टम, ये आप जीत सकते हैं। सिर्फ आपको इसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको करना है एक कमेंट। कमेंट में आपको बताना है एक स्मार्ट टीवी का आपको सबसे बेस्ट फीचर क्या लगता है, बस इतना ही आपको करना है। आप जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि टीवी के बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, उसके बाद हम देखेंगे डेमो। टीवी के साथ आपको स्टैंड मिल जाएगा इसको टेबल माउंट करने के लिए, और अगर आपको करना है इसको वॉल माउंट तो वॉल माउंट भी आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा, ये भी मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी बात है। साथ में आपको मिलती है यूजर मैनुअल्स और ये रिमोट। चलिए पहले मैं आपको इस टीवी का एक डेमो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना फेवरेट फीचर। मैं ऑन करता हूँ टीवी को। इसमें आपको 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और आपको दी गई है 1GB की रैम। फिलहाल ये है HDMI मोड पे। मैंने अब से पहले इसके साथ कनेक्ट किया हुआ था टाटा स्काई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। देखो, टीवी ऑन करने के बाद पहले आपको इसको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। उसके लिए आप रिमोट में से मेन्यू बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा। नेटवर्क में जब आप जाओगे तो आपको ये सब ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे ऊपर ऑप्शन है नेट मोड, वायरलेस या फिर वायर्ड। अगर आपने इसमें ईथरनेट केबल लगा रखी है तो आपको यहाँ से वायर्ड नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ वायरलेस सेलेक्ट किया है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ वाईफाई के साथ। मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है वाईफाई के साथ। अब हम बैक आ जाते हैं। रिमोट में से जब आप एग्जिट बटन दबाओगे तो ये बैक आ जाएगा। वाईफाई से हमारा टीवी कनेक्ट हो चुका है। अब हमको क्लिक करना है मेन्यू बटन, यहाँ से हमको जाना है होम पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्मार्ट टीवी मोड ऑन हो चुका है। अगर आपने HDMI पोर्ट में कुछ कनेक्ट किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसके साथ में आप देखोगे तो आपको सारे पोर्ट्स दिख जाएंगे जो भी आपके टीवी में हैं, और नीचे आपको मिल जाएंगी कुछ एप्लीकेशंस। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन सी ऐप्स आपको मिलती हैं। अब जो ये आप लिस्ट देख रहे हैं, इनमें से 4 ऐप्स ऐसी हैं जो कि मैंने लोड की हैं इसमें। एक तो है अमेजोन प्राइम वीडियो, सोनी लिव ऐप, जियो सिनेमा और जियो टीवी। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आपको इसमें प्री लोडेड मिलेगा। एक बार मैं आपको यूट्यूब चला के भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यूट्यूब इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2 गिवअवे भी चल रहे हैं इस चैनल पर, जो आप ये 2 वीडियो देख रहे हैं इन दोनों में गिवअवे चल रहा है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया अब तक तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, आपको काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलती है इसमें। ये 4K टीवी है तो मैं आपको 4K वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ इसमें। ये 4K वीडियो है, एक बार मैं आपको इसका रेजोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से 4K सेलेक्ट कर लिया है। डिटेलिंग वीडियो में बहुत अच्छी है, बिल्कुल शार्प आपको वीडियो मिलती है। बहुत ही ब्राइट आपको यहाँ कलर्स मिलते हैं, और जो आपको ब्राइटनेस मिलती है वो मिलती है 350 निट्स की। इसके अलावा दोस्तों जो ये डिस्प्ले पैनल है, ये है सैमसंग का डिस्प्ले पैनल। तो इसके डिस्प्ले को लेकर आपको इससे बिल्कुल भी शिकायत नहीं होने वाली।
एक बार अब मैं आपको Amazon प्राइम वीडियो भी चलाकर दिखा देता हूँ। तो Amazon प्राइम वीडियो भी इसमें अच्छे से चल रहा है, कोई भी हमें लैग देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आपको इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए रिमोट में सब कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो सब कुछ आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट फीचर। देखो इसमें आपको ये इजी शेयर मिलता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ये इंटरफेस आपको शो होगा और यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शंस मिलती हैं, रिमोट, टीवी मिरर, मिररिंग और कैमरा। टीवी मिरर में क्या होगा, जो आपका टीवी है वो आपके फ़ोन में शो होगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो आपकी टीवी की स्क्रीन आपके मोबाइल में भी शो हो रही है। अब आप टीवी पे कुछ भी प्ले करेंगे उसको आप अपने मोबाइल में भी देख पाएंगे। ये मुझे इसका बहुत ही यूनिक फीचर लगा। इसके अलावा आपको मिररिंग का ऑप्शन मिलता है, अगर ये आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके टीवी में शेयर हो जाएगी। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो मोबाइल की स्क्रीन टीवी में शेयर हो चुकी है। मुझे सबसे अच्छा लगा ये रिमोट का ऑप्शन, जो कि आपको सबसे पहले मिलता है। रिमोट में जैसे ही आप आओगे तो इस तरह का टच पैड ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप टीवी पे देख पा रहे होंगे कर्सर आ चुका है। इसके साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपको प्ले करना है आप प्ले कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। साइड में आपको मिलता है स्क्रॉल अप और डाउन करने के लिए ऑप्शन, और नीचे आपको मिलता है स्क्रॉल राइट और लेफ्ट करने के लिए, और बीच में है हमारा टच पैड जिससे आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अब अगर आप कर्सर यूज़ नहीं करना चाहते, आपको और कोई ऑप्शन चाहिए, तो आपको यहाँ माउस के साथ में एक टच का ऑप्शन भी मिलता है। इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप ये टच पैड की तरह यूज़ कर पाओगे। इस तरह से राइट लेफ्ट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आपको अप डाउन करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। और जो आपको प्ले करना है तो सिंपल आपको इस तरह से टैप करना है, प्ले हो जाएगा। और अगर आपको बैक जाना है तो यहीं से आप बैक भी जा सकते हैं। अगर आपको टच वाला ऑप्शन भी पसंद नहीं आया तो आपको साथ में ऑप्शन मिल जाएगा कीज़ का, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है ऐप्स। यहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी जो भी आपके टीवी में हैं, सीधा आप यहाँ से क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल से वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो वो भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ये नीचे कीबोर्ड का भी यहाँ ऑप्शन है, अगर आपको कुछ टाइप करना है तो भी आप इजीली कर पाएंगे यहाँ से। और लास्ट में आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं मोशन के साथ भी आप कर्सर कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी आपको फिर प्ले करना हो वहाँ पर आप कर्सर लाकर सिंपली सेंटर में टैप कर दीजिए, वो प्ले हो जाएगा जो भी आप प्ले करना चाहोगे। जैसे कि मैं आपको कुछ प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं इस तरह से कर्सर लाऊंगा और स्क्रीन पर टैप कर दूंगा, सिंपल। और जो इस कर्सर की सेंसिटिविटी है इसको भी यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। बाकी अगर आपको पेन ड्राइव लगाकर कुछ प्ले करना है तो यहाँ पर आपको मीडिया में आना है। देखो मीडिया में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो है इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है न्यू वॉल्यूम। मैंने यहाँ पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है तो वो है न्यू वॉल्यूम में। अगर कोई एप्लीकेशन आपको इसमें साइड लोड करनी है तो पेन ड्राइव में डालकर आप साइड लोड कर सकते हो। मैंने जियो टीवी इसमें साइड लोड किया था। मैं एक बार आपको जियो टीवी चलाकर भी दिखा देता हूँ इसमें कैसे वो काम कर रहे हैं। ये है जियो टीवी। देखो जियो टीवी इसमें काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन जो इसके साथ रिमोट मिलता है आपको उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है। सेम दिक्कत थी मी टीवी 4 के साथ भी। अभी जियो ने ये एप्लीकेशन कंपैटिबल नहीं बनाई है स्मार्ट टीवीज के लिए, लेकिन आप इसको ईजिली यूज़ कर पाओगे। या तो आप इसको ऑपरेट करने के लिए अपना वायरलेस कीबोर्ड और माउस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ES शेयर। इस ऐप के साथ आप जियो टीवी देख पाएंगे बिना किसी टेंशन के। मैं एक बार आपको कुछ चलाकर भी दिखा देता हूँ। एक बार हम इंडिया टीवी चलाते हैं क्या चल रहा है इस पे। कोई भी लैग नहीं है, बहुत ही आराम से चल रहा है जियो टीवी। बस जो साथ में आपको रिमोट मिलता है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे जियो टीवी यूज़ करने के लिए। बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। काफ़ी सारी यहाँ पर ऐप्स आपको दी गई हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर भी इसमें अलग से अवेलेबल है। अगर आप माई ऐप्स में जाओगे यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से कुछ आपको डाउनलोड करना है तो भी आप कर पाएंगे। अब जो इस टीवी का ये इंटरफेस है ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगेगा। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.1। एक आपको यहाँ पर टीवी असिस्टेंट ऐप भी दी गई है जो कि आपकी हेल्प करेगी मेमोरी ऑप्टिमाइज करने में। और साथ में आपको रिमोट में ये बटन मिल जाएगा ई का, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के।
तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। अगर आपको फेसबुक, जीमेल, ट्विटर कुछ भी ओपन करना है वो आप यहाँ पर इजीली कर पाओगे और आपको इस टीवी में वेदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मुझे इसमें दिक्कत क्या लगी। देखो दिक्कत मुझे बस ये लगी है, इसमें आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है इसमें, 5 गीगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन इसमें नहीं है। यही सेम दिक्कत थी मी टीवी 4 में भी, वहाँ भी आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता था। और अगर हम बात करते हैं इसके रिमोट के बारे में तो यहाँ आपको सभी जरूरी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ बैक साइड पे या सामने आपको छोटा सा कीबोर्ड मिल जाता तो मज़ा आ जाता। टाइपिंग बहुत ईजी हो जाती है, अगर आपको अभी कुछ टाइप करना हो तो आपको इस तरह से टाइप करना पड़ता है एक एक वर्ड करके। बाकी इसका बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, एक तो आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस ऐप के साथ आप इजीली टाइपिंग कर पाओगे, या आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड और माउस, तब भी आप सब कुछ इजीली कर पाओगे। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहूँगा, जिस प्राइस पे आपको ये टीवी मिल रहा है और जैसे आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये 4K टीवी है 40 इंच का HDR10 सपोर्ट के साथ और ये सपोर्ट करता है 18 लैंग्वेजेस, मैं ये कहूँगा हम इस टीवी को सुपर वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। अब आप बताओगे मुझे कि आपको ये टीवी कैसा लगा और क्या लगा आपको इसका बेस्ट फीचर। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।